ये भाई भंडारे में जाने के रास्ते हैं। हम भी चल रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये भाई सामान तो कुछ नहीं छूटा ना भाई। ये हम जा रहे देखो, ये भंडारा खाने। और हमारे दोनों भाई पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखो भाई, दोनों भाई लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और मस्त बनारखा भाई, जय हो बाबा सिद्ध बली की। और दोनों भाई अपनी छोटी छोटी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और भाई इधर भंडारे भी स्टार्ट हो गए हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। भंडारे चल रहे हैं, इसे भाई ये चल रहा है भंडारा। बड़ा अच्छा काम करा था, लेकिन खाऊंगा तो अपने लिए। क्या बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 2027 में कहाँ तक बुक है ये? मेरे को भंडारा देगा ना तो बोला कि मैं आज ही करवा दूँ तो नहीं। 2000 पता नहीं 27-28 तक बुक है। अरे तो जैसे तो भंडारे के लिए किसी और का चल रहा है, जो तेरा नंबर आएगा ना नाम से चलेगा वो 2000 पता नहीं बुक है। दो और डाल दो सब्जी पूरी पूरी पूरी। इसमें डालो, इसमें डाल दो, डाल दो, डाल दो। महादेव चलो भाई। ये आ गया भाई, देखो भाई उत्तर पूरी में आता ना। अबे यहाँ आ गया वहाँ पर, हाँ भाई पूरी खा रहा जान के चावल भाई। ये है प्रसाद बना, प्रसाद बोले प्रसाद मिल गया। देखो सुबह सुबह भाई मिल गया प्रसाद, सुबह सुबह हमें प्रसाद मिल गया है। स्टार्ट करते हैं भाई, इन दोनों ने पनीर की सब्जी, इन दोनों ने स्टार्ट भी कर दिया। और लेकिन भाई तो हमारे भाई इनको तो सबसे ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। और ये बैठ गए अभी फटाफट खाने के लिए। भाई हम भी स्टार्ट करते हैं। भाई वहाँ से ऊपर से आए थे और यहाँ से प्रसाद मिल रहा है। और खा पी के थाली वहाँ रखे हैं। भाई भंडारे चल रहे हैं, उतना ले थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। लोगों ने बहुत अच्छा है भाई। अब पानी वानी की व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया कर रखी है। और यहाँ पर भी बनी रहा है, अब देखते हैं। भाई लोगों पेट पूजा हो चुकी है, भंडारे का प्रसाद लेके आत्मा तृप्त होगी। तो भाई से नीचे प्रसाद नरेंद्र भाई का प्रसाद भाई प्रसाद ले
तो भाई फाइनली हमने भोजन तृप्त लिया है और लेके आत्मा तृप्त हो गई, नसीब में था हमारा प्रसाद। और देखो जब भी ये आए ना पीछे नेगी भाई अपना भाई, उसको कभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं मिला और इस बार हमारे साथ आया तो देखो मौज कर दी मौज। भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करने के लिए मिल गया भाई। आप भी यहाँ पर आके भंडारा करवा सकते हो, मगर ये कि भाई यहाँ पर ना जो डेट है भाई दो तीन साल तक बुकिंग हो रखी है, कहते हैं 2027-28 तक चलते हैं, यहाँ पर बुक हो रखी है। तो भाई अब आ गए हम मंदिर परिसर के बाहर नीचे, देखो भाई रास्ता, देखो भाई यहाँ से उतरेंगे हम नीचे। जय जय श्री राम। एक बार मैं दान दक्षिणा करता नहीं भाई, तो मजाक की भी हद होती है भाई। देखो अभी हम बाहर आ गए हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद लेके ऊपर मंदिर में चढ़ा सकते हो। और भाई यहाँ पर जो जूते चप्पल की व्यवस्था वो फ्री है, आप यहाँ पर ये देखो भैया 8 नंबर ले ले जूते, 8 नंबर वाले। सोच में हमारे गंदे हो रखे हैं भाई, मजा आ गया दर्शन करने के बाद भाई। सूज पहनते हैं और फिर निकलते हैं। ये क्या धर्मशाला है, वहाँ पर धर्मशाला है क्या? धर्मशाला ही होगी, धर्मशाला है ना, हाँ धर्मशाला है। तो सही, अगली बार यहीं रुकेंगे भाई। ये है धर्मशाला, आप यहाँ पर भी रुक सकते हो, हम तो पीछे रुके थे। आ रहा हूँ अभी, रुक जा। ये है सिद्ध बलि मंदिर के पास धर्मशाला, जहाँ पर आप आके रुक सकते हो। और ये अंकल जी हैं, आप इनका फ़ोन नंबर लेके इनसे बात कर सकते हो। ये देखिए, और भाई जो ये धर्मशाला के चार्जेस हैं 600 नॉन एसी के हैं, और अगर आपको एसी रूम चाहिए तो उसके चार्जेस 900 हैं। तो भाई सही है, आप यहीं पे आके रुक सकते हो। देखिए एसी नॉन एसी डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी यहाँ पर। डॉर्मेट्री का हमने प्राइस नहीं पूछा, मतलब रूम का पूछा है, तो भाई नॉन एसी 600 रुपीज़ सही है, धर्मशाला में आप रुक सकते हो। भाई रूम वूम हमने इसलिए नहीं देखे क्योंकि अभी हमें लेट हो रही है, क्योंकि अभी हमें 100 किलोमीटर और आगे को जाना है। और ये पार्किंग है सिद्धवली मंदिर की, जिसके टू व्हीलर के चार्जेस हैं
10 rupees। भाई ये अपनी D2 और स्कूटी अन भाई की खड़ी हुई है, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे के सफ़र के लिए। और भाई अगर आप भी सिद्ध बली में आके धर्मशाला में रुकना चाहते हो नॉन एसी तो ये नंबर है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप यहाँ पर आके इनसे बात कर सकते हैं। भाई लोगों ये है नंबर धर्मशाला, यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था एसी और नॉन एसी डॉर्मेटरी रूम मिल जाएगा आपको, और इस नंबर पे आप कॉल करके अपना रूम बुक कर सकते हो। तो भाई ये है पार्किंग और ये D2 खड़ी है, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं।